बिलासपुर में लॉकडाउन के दौरान लोगों पर निगरानी रखने के लिए पुलिस तरह तरह के उपाय कर रही है। सड़कों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे इसके लिए पुलिस ने कई इलाकों में ड्रोन कैमरे लगाए हैं, जिसकी वजह से हर गली मोहल्ले में कड़ी निगरानी की जा रही है। और इसके अलावा पुलिस खुद मुख्य सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रही है, ताकि लोगों को ये समझाया जा सके कि घर में रहना और सोशल डिस्टेंसिंग की जो है वही एकमात्र बचाव का तरीका है। शैलेंद्र पाठक जो गए ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, सख्ती कितनी नजर आ रही है? अब पुलिस की सख्ती जो है बिलासपुर में जो है कोरोना पॉजिटिव जो एक निकला था उसके बाद से ही थी, लेकिन अब जब निगेटिव भी आ गया मरीज उसके बाद भी जो है पुलिस की सख्ती जारी है, और ये लोगों की बेहतरी के लिए है। और को जो बीच में कई इलाकों में कई मोहल्लों में पुलिस को लगातार ये सूचना मिल रही थी कि लोग दुकानें खोल के कहीं बैठ रहे हैं, कहीं बाहर गली मोहल्लों में घूम रहे हैं, तो ये तमाम सूचना पुलिस को मिल रही थी। तो उसको लेकर तो पुलिस ने ड्रोन कैमरे की व्यवस्था की, और ड्रोन से जो पूरे इलाके में पूरे बिलासपुर शहर जो इलाका है, खासकर जो गली बस्ती का इलाका है, उन इलाकों में जो ड्रोन कैमरे से नजर रख रही उसकी फ्लैग मार्च कर दी, और लगातार पुलिस के इस फ्लैग मार्च का जो असर भी अच्छा है। और कम से कम ये इससे इससे लोगों में भय भाव या थोड़ा सा निकलना कम कर रहा है, तो इससे लोगों का ही भला है। और कहीं ना कहीं जो पुलिस की जो कड़ाई है छुट्टी है, पुलिस चौक चौराहों में कहीं लोगों को सजा भी दे रही है, इसकी बताओ सजा भी दे रही, कहीं जुर्माने ठूक रही है, तो कहीं मामला भी दर्ज कर रही है। तो ये फ्लैग मार्च और ड्रोन कैमरे का वो लोगों पर अच्छा है, उससे कम से कम जो सड़कों पर निकलने वालों की तादाद है। शुक्रिया जानकारी के लिए। रीवा जिले के